हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, जिसका टाइप्स है NU और NJ। NUP भी है तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और इसका कंपैरिजन होने वाला है नॉर्मल बॉल बेयरिंग के साथ, जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे सामने टोटल 3 बेयरिंग्स हैं, और सबसे पहले हम लोग जो नॉर्मल बॉल बेयरिंग है उस पर आते हैं। उसका स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए, 6315/34। तो 6 यहाँ पे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 3 उसका सीरीज है, दैट इज मीडियम सीरीज का बेयरिंग है। तो इसको देख लेते हैं, कॉमन बेयरिंग है, नॉर्मल यूज होता है। तो ये जो बॉल बेयरिंग्स है वो लाइट वेट एप्लीकेशन है उसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन इनर रेस एंड आउटर रेस वो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स पे। तो इसका स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में पिछले केस में बॉल बेयरिंग था, यहाँ पे रोलर बेयरिंग आ गया है। यहाँ पे देखिए NU जो इंडिकेट कर रहा है वो है सिलेंड्रिकल रोलर। तो इसमें और पुराने वाले में बस इतना ही डिफरेंस है, रिमेनिंग 315 दोनों सेम है, बोर्ड आया, एवरीथिंग इज सेम इन दोनों केस में। अब रोलर बेयरिंग पे आने पे उसमें भी 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 टाइप्स को देख रहे हैं प्रैक्टिकली, रिमेनिंग टाइप्स को हम लोग PDF के थ्रू देख लेंगे। तो NU में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो इनर रेस है, जैसा कि हमने अभी निकाला, वो ईजिली बाहर आ जाता है दोनों डायरेक्शन से। तो जो इनर रेस उसके ऊपर शोल्डर्स कहीं पर भी नहीं रहता है। शोल्डर्स का मतलब अगला जो बेयरिंग है NJ, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा। तो यहाँ पे आप जो इनर रेस है उसको किसी भी डायरेक्शन में बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल इजीली बाहर आ चुका है, और बेयरिंग का मूवमेंट अभी भी बिल्कुल स्मूथ है। इसमें कोई शोल्डर्स नहीं है, लाइक जो रेस है, ये जो पार्ट है हमने बाहर निकाला उसको इनर रेस बोलते हैं, वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो इस केस में इसका एडवांटेज ये है कि जितना भी लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनर रेस और आउटर रेस के बीच में। नेक्स्ट है NJ टाइप 319/3 सीरीज, तो सेम है यहाँ पे भी, मीडियम सीरीज का है, और 19 बोर्ड आया, 19x5 कीजिएगा तो उतना MM का आपका बोर्ड आया रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो उसका रोलर को पकड़ के रखा है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। इस केस में भी, NJ केस में भी, जो इनर रेस है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन में निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में आप देख सकते हैं शोल्डर एक है, इसे जो निकला हुआ पार्ट हम लोग कहते हैं, निकालने के बाद आपको फुल क्लियरली पता चलेगा। ये देखिए अभी निकालने के बाद दोनों सेम ही दिखता है, दोनों में रोलर्स हैं, दोनों का मूवमेंट बिल्कुल फ्री है NA एंड NJU का। इसे भी हम निकाल देते हैं जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। बहुत इजीली निकल जाता है बाहर। अब इन दोनों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों हैं, इजीली मूवमेंट है, और उसका जो इनर रेस है उसको आप कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में शोल्डर दिख रहा है वो डिफरेंस क्रिएट करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग में, इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें वन साइडेड है। वापस से इसको इंसर्ट कर देते हैं, इजिली इंसर्ट हो गया, ये भी विद द हेल्प ऑफ शोल्डर इसे हमें इंसर्ट किया है। नेक्स्ट रोलर बेयरिंग्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसे एक अगले स्लाइड में हम देख सकते हैं, ईजी है काफ़ी। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 टाइप के रोलर्स, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग हैं। NU और NJ हमने स्लाइड में देखा, पिछले वीडियो में देखा। NUP भी NJ टाइप का ही है, बस उसके जो लेफ्ट साइड वाला जो शोल्डर है वो आप अलग से उसको डी अटैच कर सकते हैं। रिमेनिंग टाइप N और NF उतना यूजफुल नहीं है, ज़्यादा कॉमनली यूज़ में नहीं आता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, और उसका कंपेरिजन हुआ किया हमने बॉल बेयरिंग के साथ। एक और वीडियो आने वाला है जिसमें आप और भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसपे स्पेसिफिकेशन होते हैं बेयरिंग का, उस पर वो वीडियो रहेगा।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो. थैंक यू.